हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आप सबको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद। और मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के घर पे, जिसके साथ मैं इफ्तार पे गया था, तो उसने मुझे इनवाइट किया ईद के लिए। तो अभी बस जा रहा हूँ और देखता हूँ कि रास्ते में कुछ ले लूँगा, तो चलते हैं फिर वहाँ पे ईद मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मैंने बोला मैं नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लगता, बट वो कह रहे हैं नहीं आपको आना है, आना आ रहा है। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, बट प्लान तो ये था बाहर जाने का। Anyway, कुछ कर सकते हैं, फिलहाल चलते हैं बाहर। और मैंने कुछ ऐसा सा वेयर किया है, चलिए। फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अभी बाहर और बस अभी जा रहा हूँ उसके घर फेंक के, बट उससे पहले देखता हूँ कुछ ले लेता हूँ मैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे ईद है तो खाली हाथ जाते हैं। ठीक है, और ये रहा मेरा अपना साइकिल स्टैंड। बहुत टाइम हो गया, आई गेस 1 मंथ से ऊपर हो गया मैंने साइकिल नहीं चलाई है यार, कोई बात नहीं चलाएँगे। और ये रही अपनी पलावा की बस, ये जो ड्रॉप करती है अपना हब से, है हब, हाँ हब छोड़ते हुए बस यहाँ पे ये शॉप्स है। तो मैंने क्या थोड़ा दिखा देता हूँ आसपास का एरिया, मतलब जो भी नए हैं सब्सक्राइबर्स उन्होंने तो नहीं देखा होगा, उनके लिए ये। चलिए अब मैं जा रहा हूँ अंदर शॉप में, ये इसकी शॉप, होपफुली यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर देखते हैं क्या करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से क्या कहते हैं एक मिठाई ली, एक चॉकलेट का डब्बा ले लिया है। अब यहाँ पे कुछ मिलता है नहीं है ढंग का, इधर समझ नहीं आता मुझे, वहाँ पे दिल्ली में एकदम मस्त रहता है ना, चीज़ें सब कुछ मिल जाता है, इधर कुछ है ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। चलिए फिलहाल चलते हैं अभी उसके घर, काफ़ी देर से वेट कर रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आ चुका हूँ मैं अपने फ्रेंड के घर पे, आपको ये बहुत बहुत मुबारक हो। और बस ये सब ये फॉर्मेलिटी के लिए भैया, मुझे मन मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। हमारा जो प्लान था वो बाहर जाने का था, तो अभी जनाब की तबीयत ठीक नहीं है, प्लस उनके रिलेटिव से भी शायद शाम को आना है, तो वो है तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तो हमारा बहुत बहुत ईद मुबारक, हाँ आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो अब दिखाते हैं आपको खाने में क्या क्या, आज तो मेरी डाइट खराब कर दोगे आप मेरी, है एक दिन के लिए, बट एक दिन ना बहुत भारी पड़ता है, उसको कम करना ना। तो चलिए ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। चलिए तुम्हें दिखा रही हूँ, ये क्या है, भगोड़े, दही, अच्छा दही भले, वेरी नाइस। अच्छा किसने बनाया है सब, वाह वेरी नाइस। ये छोले हैं, वेरी गुड। ये शीर है, ओके नाइस, थैंक यू। अरे वाह, थैंक यू सो मच। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा यहाँ पे दस्तरखान सजा हुआ है। चलिए चलिए ठीक है, फिर अभी हम इसे थोड़ा इंजॉय करते हैं, बीच पे थोड़ी सी हम बातें करते रहेंगे, है चलिए। फ्रेंड्स, ये है सैम के ब्रदर आमिर, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, और थैंक यू सो मच इतना सब कुछ बनाने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर से मुझे थोड़ा थोड़ा बोल रहा था कि मैं आओ के देव थोड़ा सा, मतलब घर जाते हैं, मेरा प्लान था इसके साथ सैम के साथ बाहर जाने का, बट वो ही थोड़ी तबीयत खराब है, फिर वो रिलेटिव भी आना, तो वो चक्कर है। तो चलो ठीक है, अभी हम खाते हैं और बीच पर फिर वार्तालाप करते रहेंगे, ठीक है। चलो ईद मुबारक, आप ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो फ्रेंड्स, बिरयानी बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, और ये बनाई है इनकी सिस्टर ने बनाई है, तो थैंक यू सो मच। वो भी अंदर है, तो कोई होता कैमरा में नहीं आता, तो चलिए ठीक है, मैं अपना एंजॉय कर रहा था। और फिर दोबारा से मैं थैंक यू बोलता हूँ, और आप सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक, आमिर मुबारक, ईद मुबारक। चलिए ठीक है, तो फ्रेंड्स स्पेशल मैंने ये वाला एंगल रखा है, मैं चाहता हूँ कि हम दरगाह जाए, हम भी वो वहाँ बैठे हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। लेकिन मेरा क्या है, मैं तो भैया सोशल मीडिया वाला हूँ, तो मेरे को पता भैया सारे एंगल से शूट होना चाहिए, और मैं मतलब बता रहा हूँ कि मतलब बहुत अच्छी बनी है। और थैंक यू सो मच दोबारा से, अब मैं बोलूँगा बार बार थैंक यू, बार बार थैंक यू बोलना पड़ता था, अब हर क्लिप में मुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा। मेरा फ्रेंड है, मुझे बोलता है शॉर्ट वीडियो बना कर, थोड़ी शॉर्ट में दोबारा रिपीट मत करा कर, अब क्या होता है मेरा रिपीट वो हो ही जाता है, अब क्या हर सीन में अभी कुछ तो बोलना है ना। तो चलो ठीक है, फाइनल अब फाइनल हम करते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर हम बाद में मिलेंगे, है नहीं तो मेरी तरफ से वो भी डिस्टर्ब हो रही। चलिए बाय।
तो फ्रेंड्स अब ये हमने खा लिए हैं भल्ले वगैरह, अब ये खा रहे जब से आए हो, खाई जा रहा हो और साथ पे बैठ के ना मैं अपनी दिल्ली की तारीफ कर रहा हूँ। अरे बहुत खा लिए, अब ये खाए, अभी भल्ले खाए, अभी शीर खाएंगे और क्या कहते हैं, और मैं अपनी दिल्ली की तारीफ कर रहा हूँ भैया। यहाँ पे मुंबई में तो ऐसा लग रहा है मैं तो फंस गया हूँ, इधर इतना रश है मैं सच में बता देता हूँ, ऊपर से गर्मी। हाँ, और अभी मुझे मिठाई लेनी थी भैया, दुकान ही नहीं है इधर मिठाई की, कोई कुछ है ही नहीं, समझ नहीं आता। मुंबई वाले पकड़ के मारेंगे आपको, मार दे मेरी दिल्ली की बुराई करेंगे तो मैं भी उनको मारूंगा। और मेरा वो फ्रेंड है वहाँ पे, वो कैनेडा में, तो मैं वो फोटो देख रहा था, वो वीडियो देख रहा था, कहता वो बड़ा वो शरीफ सा है, मैंने कहा हाँ हाँ शरीफ सा है, उसको भी ईद मुबारक करो, संदीप नाम है, ईद मुबारक। वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो परमानेंट हो गया वहाँ पे, क्लियर तो चलो ठीक है, अभी हम शीर खाते हैं, ठीक है चलिए। कहाँ लगते हैं ये? नहीं मतलब कह रहा हूँ ब्रेक है कहाँ पे इसकी? ब्रेक नहीं है, ब्रेक कितना है ये रहा है? अच्छा ये जो जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये है अपनी क्या कहते हैं सैम की साइकिल, तो हम दो चार बार ही घूमे हैं साइकिल पे जब जिम बंद होता सुबह सुबह मंडे को। मैं इसको वो देख रहा हूँ, मुझे लगा ये क्या कहते हैं ये वाले ब्रेक इसके है ही नहीं है, मतलब बिना ब्रेक के कहाँ से साइकिल है। चलो ठीक है, काफी टाइम हो गया। हाँ कोई नहीं, जिम को भी काफी टाइम हो गया जनाब को आए हुए ट्यूजडे से, ठीक है चलो। मैं कह रहा क्या हो गया, बंदा जनाब गायब है, एक महीना हो गया है नहीं, फिर उसके बाद अब रमजान आ गया। चलो ठीक है, सही करनी पड़ती है, तो उसके बाद हम जिम में नहीं जा सकते क्योंकि उसके लिए अपना थोड़ा वाटर चाहिए, टाइम जो आता है, तो अच्छा प्रोटीन वगैरह। ओके चलो देखो, ये जो फ्रेंड्स ये जो साइकिल है ना, ये सैम को गिफ्ट मिली है क्लाइंट ने, ये थी यूके वाले। अरे वाह वाह क्या बात है भैया, मैंने कहा उनको बोलो मुझे भी गिफ्ट कर दे। तो अभी हम जा रही है बाहर थोड़ा सा फोटो सेशन करने के लिए, ठीक है, और थोड़ा सा बाहर का दिखाते हैं। और मेरा जो फ्रेंड है संदीप, वो पहले ब्लॉगिंग भी करता, उससे मैं भी स्टार्ट किया है, तो मैं थोड़ा आस पास का उसको भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हम इसमें जा रहे हैं अभी बैठ के, तो मुझे डर लग रहा है बैठ के ना, कुछ गरम गरम पीछे लगेगा भैया मुझे, मैंने नहीं बैठ रहा, मैं पैदल ही चला रहूँगा, इतना प्यारा नहीं है मुझे फोटो शूट ये मैं जल जाऊँ मैं। चलो चलो बैठो। तो फ्रेंड्स हम बैठ चुके हैं यहाँ पे, ये बहुत गर्म अभी लग रहा, थोड़ा सा गर्म लग रहा था, नॉर्मल है अभी यहाँ पे। तो चलो आपको थोड़ा सा पलावा घुमा लेते हैं। हाँ ये सही कह रहे हो, ये अब सभी जगह पे इन्होंने लगा दिए, ऐसे गाड़ियां खड़ी है ना किसी भी, मतलब जो जिन्होंने पार्किंग नहीं करी हुई। हाँ ये यहाँ पे ज्यादा ग्रीनरी है, ये आ गया अपना जिम सेंट्रम, इसके भी आपको अलग विलोक में दिखाएंगे इसको ला। हाँ यार सही है, ये बहुत अच्छा, मैंने यहाँ पे बहुत साइकिलिंग करी है बारिश के टाइम पे कर रही है। और दोबारा अभी इधर एक मंदिर है, ये अच्छा पार्किंग बना रहे हैं, वाह बड़ी सही है यार। ये एकता कपूर जैसे वो नहीं आता मूवीज वगैरह में, क्या कहते हैं क्रिकेट वगैरह में बचपन में खेलता था, बचपन में जैसे वो कॉस्को की बॉल होती थी ना येलो येलो वाली, उन सबसे मैं खेलता था। और उसके बाहर वो था नहीं, मेरे को बस वो था इंटरेस्ट साइकिलिंग का, साइकिलिंग करा और इतनी बड़ी डालो और पेंटिंग वगैरह का, ये चीज़ कलाकार। हाँ अभी थिएटर भी छूट गया, वो भी थिएटर भी जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद थिएटर भी छूट गया।
दोस्तों आ गए हैं हम। ये रहा पार्क, ये वाला ये पार्क की मैंने शूटिंग करी थी इधर। यहाँ पे ना किसी का यहाँ पे मोबाइल किसी बच्चे का गिर गया था, तो हाँ मैं तब नया नया आया था यहाँ पे, 2022 की बात है। फिर वो मोबाइल गिर गया तो मैं वो उनकी थोड़ा हेल्प कर रहा था, तो तब से फिर मेरी यहाँ पे जान पहचान ज्यादा शुरू हो गई। लोग मुझे जानने लगे कि अरे भैया ये तो बहुत दरिया दिल वाला नहीं मतलब क्योंकि सब आ रहे थे, सब चले जा रहे थे, आके देख के चले जा रहे थे, बट मैं एंड टाइम तक था। ठीक है ऐसे मुझे सब, मैं किसी को पॉइंट ही कर रहा हूँ, मैं जस्ट की बता रहा हूँ, तब से मेरी लोगों से जान पहचान ज्यादा होगी वो चीज़ है। उसके बाद वो गणेश उत्सव आया, वो सब चीज़ें। वाह यार कितना सही लग रहा है यार, मस्त एकदम। हाँ देख लो कहीं वो ये वाला था, ये पिलर था, यहाँ पे ऐसे वो नीचे ऐसे गैप सा बना हुआ था उस लड़की का। हाँ तो उसका वो मोबाइल वहाँ पे तब नीचे गिर गया था, शुक्र है मिल गया बेचारा। वो भी शायद आईफोन था उसका शायद। भाई साहब इतने परेशान, चलो काफी चेंज हो गया यार। चलो देखो वो आमिर क्या बोल रहे हैं, अरे फोटो निकाला तरन भाई को गर्मी लग रही है। भैया मेरे को गर्मी से बहुत दिक्कत है, मैं अभी घर रहूंगा, मैं तो नहाने अब ऊपर से तो कैब नहीं आ सकती, कैब नहीं आ सकती। हाँ मैं उनको हाजी अली की बात बता रहा हूँ, मैं गया तो बड़े शान से था एसी ट्रेन में, भैया चला रहूंगा वहां पे हाजी अली के दर्शन करे वहां पे, इतनी उसके बाद मुझे गर्मी लग गई। मैंने कहा भैया कौन जाएगा ट्रेन में, वहीं पे कैब करी 1000 रुपए की, मैं क्या भैया घर तक छोड़ा हूँ मुझे। भैया बहुत गर्मी है इधर, सुन लो भैया मुंबई वालों हाँ वो क्या बोलते हो, कौन सा वो चल रहा है ऑनलाइन सॉन्ग का ऐप, एक तो गाना करके और एक अच्छा निकला ना अभी वो कर रही है, पता नहीं किसका। ओके वो 30 सेकंड या हाँ यार मतलब लोग रील्स बनाते हैं, मेरा इतना मन है यहाँ पे बनाने के, कहाँ बनाऊँ मैं रील्स, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कौन सी जगह पे बनाऊँ, मतलब आती नहीं है ना। एक बार स्टार्ट करो तो, मेरे फ्रेंड है वो बना, वो संदीप, चलो ठीक है फोटो लेते हैं, वो बनाता था संदीप टिकटॉक में। तो फ्रेंड्स कर लिया है हमने अपना फोटो सेशन, और दोबारा से आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद मुबारक, और क्या कहते हैं आपने खाने के लिए बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से, और अपनी सिस्टर को भी बोल देना थैंक यू सो मच, अपना ही घर समझिए। तो बस हमने कर लिया, क्या कहते हैं अब हम जा रहे हैं घर की ओर, परेशान कर रहे हैं भैया बहुत गर्मी है, और क्या कहते हैं अमीर ने एक कुछ मेरी तारीफ करी थी, मैंने कहा वो भी बता दो, वो बोल रहे थे कि क्या कहते हैं मेरी फोटो अच्छी आ रही है भैया, ऐसे तो कोई नहीं, उन्होंने बोलता कि वहां पे देना किलर, ऐसा कोई किलर फेस नहीं है वो, ठीक है कभी कभी एक हाथ में आ जाती है, तो मैं ये मोमेंट भी तो जरूर कैप्चर कर रही है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच इतनी तारीफ करने के लिए, और बार बार क्या कहते बोल रहा हूँ, एक बार लास्ट बार फिर बोलता था ईद मुबारक आपको भी, ईद मुबारक, चलिए ठीक है ईद मुबारक। हाँ और आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लोग ऐसे देख के चले जाते हैं आगे लाइक भी नहीं करते, लाइक जरूर करिएगा। अभी मैं गुड़ी पाड़वा में गया था तो वहाँ पे पुलिस वालों को पकड़ लिया था मैंने, उनको भी पकड़ लिया था अपने ब्लॉग के अंदर लेके आया था मैं। चलो ठीक है बाय बाय।